महावीर प्रसाद महिपाल हिसार से हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रह चुका हूं, अनुसूचित मोर्चा का और आजकल प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। होकर सामाजिक न्याय के लिए इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और हम बहुत आगे निकल सकते हैं। बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, वो समय अब आ चुका है। हम संगठित होना ही केवल बाकी रह गया है। शिक्षा में भी काफ़ी आगे निकल गए हैं और हम लोग संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। इसलिए संगठन बनाकर हम लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए हमें लड़ना पड़ेगा और हमें लड़ने के लिए ही तैयार रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम सब लोगों के साथ आज मैं केवल एक ही विनती करता हूँ कि आज गुरु महाराज जी के दिखाए रास्तों पर चल के हमें जात पात से ऊपर उठ के हम लोगों को सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपनी लड़ाई को जीत कर दिखाना चाहिए। मैं शीशपाल चालिया, रेजिडेंट संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार। आज का जो कार्यक्रम गुरु रविदास जयंती पे रखा गया है, इसके बारे में बता दें। गुरु रविदास जयंती का कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं, प्रकाशोत्सव और 645वां ये हमारा कार्यक्रम है। आज स्पेशल डे इसलिए भी था हमारा कि आज के दिन हमने गुरु रविदास कन्या छात्रावास सेक्टर 33 का उसका शिलान्यास करवाना है। आज हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये हरियाणा में अपनी तरह का पहला हॉस्टल है जो सामाजिक कोई संस्था इसको चलाएगी। सरकारी तो कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, प्राइवेटली किसी सामाजिक संस्था का हॉस्टल आज तक पूरे हरियाणा में नहीं है। ये हमारा पहला हॉस्टल है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका निर्माण पूरा होगा और उसको चालू करेंगे। तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला इस हॉस्टल को बनाने के? सरकार की तरफ से अभी कोई हमें योगदान नहीं मिला है। सरकार की तरफ से तो इतना योगदान है कि जो ज़मीन करोड़ों रुपए की थी वो हमें लाखों रुपए में मिली। कंसेशन रेट पे वो ज़मीन सरकार ने, डाट डिपार्टमेंट ने उपलब्ध करवाई है और आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सरकार के प्रतिनिधि हम वहाँ बुलाएँगे, उनके चरण कदम वहाँ रखवाएँगे तो हमें योगदान भी मिलेगा सरकार की तरफ से। तो आज किसके द्वारा शिलान्यास करवाया जा रहा है, मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास करवाएंगे। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे आज गुरु पर्व के अवसर पर? मैं डॉक्टर कुलवंत सिंह जांगड़ा सेक्टर 14 हिसार से हूँ और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आज प्रकाशोत्सव पर मैं तो शिशपाल चालिया जी जो हैं इन्हीं को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि नेतृत्व में जो श्रोमणी गुरुसुवारा जो सभा है बड़ी तरक्की कर रही है और उन्होंने जैसा कि बताया कि इन्हें कन्या विद्यालय के लिए भी जगह ली है, तो ये एक सराहनीय कार्य है और जहाँ तक इनका प्रयास है ये उसको जल्द पूरा करेंगे और समाज को समर्पित करेंगे। मैं पुण्य आपके माध्यम से पूरे समाज को और प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।